ठीक है, तो आज जो है हम लोग कर लेते हैं क्लाइमेट स्टार्ट। और क्लाइमेट जो है बेसिकली काफी इजी चैप्टर भी है, ठीक है ना, बट इसमें जो है ना समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब क्लाइमेट में हमारे पास जो है चार आते हैं जोन्स। ठीक है, ये जो जोन्स हैं इनका आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, चार क्लाइमेटिक जोन्स हैं हमारे पास, है हाईलैंड, ठीक है, ठीक है, हमारे पास हाईलैंड जोन है, लोलैंड जोन है, कोस्टल है, एंड हमारे पास है एरिड जोन। ठीक है, ये चार क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और ये जो जोन्स होते हैं बेसिकली इसकी बेसिस पे हमारी क्लाइमेट जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली आपका जो मेन इसमें कंटेंट है। ठीक है, अच्छा, हाईलैंड जोन जो होता है वो होता है आपके पास नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, जो कि हमने टोपोग्राफी में पढ़े हुए हैं। लोलैंड जोन में हमारे पास आता है पूरा का पूरा इंडस प्लेन जो है, ठीक है ना, जो कि पंजाब प्लेन एंड सिंध प्लेन है, और साथ ही साथ हमारे पास जो कोस्टल एरियाज के ऊपर जो सेंट्रल बलूचिस्तान है वो भी लोलैंड जोन में आता है। ठीक है ना, फिर अगर हम बात करें कोस्टल जोन की, तो कोस्टल जोन में हमारे पास आ जाता है कोस्टल एरियाज, यानी कि जो अरेबियन सी के साथ है, ठीक है ना, जो बिल्कुल मकरान कोस्ट एंड सिंध कोस्ट है। ठीक है, और हमारे पास एरिड जोन है, वहां पर आ जाते हैं डेजर्ट्स। सही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, चार जोन हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जरा क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, मुझे मतलब जो सजेशन था, ठीक है ना, डिवाइस करने का, तो मैं पास पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लाइमेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कुछ फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टर्स फॉर क्लाइमेटिक वेरिएशंस। ठीक है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस, ठीक है ना, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। यार ये पता नहीं क्या मसला है, एनीवेज, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारे पास है ना वो है लेटिट्यूडनल इफेक्ट, लेटिट्यूडनल इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, लेटिट्यूडनल इफेक्ट में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर के करीबी एरियाज होते हैं ना उनके पास जो सनरेज होती हैं वो बहुत रिलेटिवली ज्यादा पहुंच रही होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है अर्थ का मैप, ठीक है, और हमारे पास जो सन की रेज है बेसिकली वो आ रही है अर्थ पर, ठीक है ना, यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, सन की रेज आ रही है, तो ये जो एरियाज है ना जो इक्वेटर के करीब होते हैं, अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर के करीब वाले एरियाज कंपेरेटिवली ज्यादा रेज रिसीव करते हैं बाकी एरियाज के, ठीक है ना, बाकी एरियाज के कंपेरिजन में ये जो होते हैं ये डायरेक्ट और जो है ज्यादा रेज को रिसीव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर के करीबी जितने भी एरियाज होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं जल्दी। और अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान कहीं यहाँ पे लाया करता है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान के जो साउदर्न एरियाज होते हैं वो बेसिकली ज्यादा हॉट होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्थ एरियाज, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपको पता होगा एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड का क्या होता है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। एल्टीट्यूड में क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है कि आप जैसे जैसे आपका पाकिस्तान में आप आगे जाते जा रहे हो, ठीक है ना, अगर ये आपका पाकिस्तान है, जैसे जैसे आप नॉर्थ जाओगे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम नॉर्थ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर हमें जो है बहुत लो एल्टीट्यूड और प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, और एल्टीट्यूड के साथ साथ जो टेम्परेचर होता है ना वो डिक्रीज होता है बाय मतलब माइनस होता जाता है 6 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका साउथ में जो है यहाँ पे 40 डिग्रीज है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है ना, पर 1000 मीटर्स आपका जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 4000 मीटर्स नॉर्थ जाओगे तो आपका जो है टेम्परेचर बेसिकली होगा वो हो जाएगा 24, 25, 26, ठीक है ना, 26 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर। तो ये एक एग्जाम्पल थी कि यहाँ पे माइनस होकर और फिर जो है आपका टेम्परेचर 40 माइनस 26 जो कि आपका हो जाएगा 14, ठीक है ना, हाँ 14, सही है ना, 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास हो जाता है। अच्छा, चैट आया है, ठीक
टेम्परेचर याद करना है, याद नहीं करना, बट आपको ये आइडिया होने चाहिए, ठीक है ना, ये जो क्या कहते हैं, ये जो फैक्टर्स है ना, ये आपको पता होने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आते हैं कि आपका टेम्परेचर क्यों वेरी कर रहा है, क्लाइमेट क्यों चेंज हो रही है इन एरियाज, ठीक है ना, मतलब जो जो एरियाज पाकिस्तान के हैं उसमें क्लाइमेट क्यों चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आपका क्लाउड कवर, ठीक है, क्लाउड कवर। अच्छा, अगर एक एरिया है, ठीक है, अगर एक एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान का, और उस एरिया के ऊपर जो है अगर क्लाउड्स हैं, तो ये क्लाउड्स क्या करेंगे, ये बेसिकली जब सन की रेज आएंगी ना दिन में, तो इनको कर देंगे आउटसाइड रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, मेजोरिटी लाइक समझ लो तकरीबन रेज जो है ना, फिर उसमें से कुछ कुछ रेज जो है अर्थ पे भी हिट करेंगी, बट मेजोरिटी जो होंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर रात में ये क्या करते हैं, जब ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं और ये एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं दिन में, ठीक है ना, ये हीट अप हो जाते हैं, और फिर जब रात होती है ना, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी जो जितनी भी हीट है उसको रात में रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके पास जो डेज हो जाते हैं ना, डेज हो जाते हैं आपके पास कोल्ड, ठीक है ना, कोल्डर हो जाते हैं, और जो आपके पास नाइट्स हो जाती है ना, वो हो जाती है वार्मर, ठीक है, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है उसको ये करता है मॉडरेट। और जो डेजर्ट्स होती है ना बेसिकली, उसमें क्लाउड्स नहीं होते, इसलिए डेजर्ट्स का जो डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाते हैं, लाइक 40-50 डिग्री सेल्सियस, और जो है आपकी नाइट्स बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है, ठीक है ना, 10-20 डिग्री या उससे भी कम, ठीक है। तो ये बेसिकली डेजर्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता क्लाउड कवर, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या आया है, एल्टीट्यूड मतलब टेम्परेचर होता है, नहीं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि आपका जो हाइट होती है, ठीक है ना, लैंड की, वो होती है, और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, आया, वालेकुम सलाम, और आपके पास आया है एल्टीट्यूड, वापस बता दूं। अच्छा, एल्टीट्यूड में क्या होता है कि जैसे जैसे आप नॉर्थ जाओगे आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड होगा इंक्रीज, ठीक है, नॉर्थ में जाओगे एल्टीट्यूड होगा इंक्रीज, और साउथ में जब आप नॉर्थ में जैसे जैसे जाओगे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो होगा ना वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो रिलेशन है आपस में वो ये है कि हर 1000 मीटर जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो है -6.5 डिग्री सेल्सियस होता जाएगा, बस, ठीक है ना, ये याद रखना है। अच्छा, यार यहाँ पे चैट इतने सारे आ रहे हैं आज, रात में टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, हाँ रात में, रात में क्यों होगा, देखो क्लाउड्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, दिन में हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और रात में उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये मैंने सबकी चैट बंद की हुई है, ठीक है। अच्छा यार, ऐसा करता हूँ, एक सेकेंड, देखो सारे चैट पहले पढ़ लूँ मैं। देखो देखो देखो, अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपके जो डेज होते हैं बेसिकली, उसमें क्या होता है कि जैसे सन की लाइट आती है ना, ठीक है, दिन में, तो ये जो क्लाउड होते हैं इसको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो है ना थोड़ी बहुत अर्थ में आने देते हैं, सही है। अब जब डे खत्म हो जाता है, जब रात होती है, ठीक है ना, तो रात में ये जो एब्जॉर्ब की थी ना हीट, इसको रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि दिन जो होते हैं ना, दिन में क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो दिन में जो है थोड़ी ठंडक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड जो है वो आपकी हीट को कम कर रहे हैं, और रात में जो है थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, क्योंकि क्लाउड जो है जो हीट सुबह में एब्जॉर्ब की थी उसको रात में रिलीज कर रहे हैं, सही है, समझ आ गया। अच्छा सही है, अब हम बात कर लेते हैं यार, ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, मैं अच्छा, ये मैंने आपको बताया थे चार जोन्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करते हैं, इसके बाद करते हैं या देखते हैं, सही है ना, वो भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लो। अच्छा, ये मैंने आपको बताया थे चार जोन्स, ठीक है ना, आपके पास हाईलैंड जोन है, ठीक है, हाईलैंड जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला है, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं इसमें, नॉर्दर्न यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न आते हैं, और आपके पास वेस्टर्न माउंटेन्स आते हैं, और ये वाला थोड़ा बहुत एरिया आता है, ठीक है ना।
उसके बाद हमने बात की है लोलैंड जोन की। लोलैंड जोन ये है ठीक है ना, जोन बी जो बना हुआ है यहाँ पर। लोलैंड जोन में आपके पास आता है अपर इंडस प्लेन यानी पंजाब प्लेन, लोअर इंडस प्लेन यानी कि सिंध प्लेन, और ये जो बलूचिस्तान का एरिया है ना, सेंट्रल बलूचिस्तान, ये आपके पास आता है लोलैंड जोन में ठीक है ना। फिर आपके अगर हम बात करें कोस्टल जोन की, तो ये वाला एरिया है कोस्टल जोन ठीक है ना, जो कि अरेबियन सी के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। और लास्ट आपके जो एरिड जोन है, दीज आर बेसिकली डेजर्ट्स ठीक है ना, ये आपकी खारान डेजर्ट है, और ये जो है आपकी, ये है आपकी थर डेजर्ट ठीक है ना, थर डेजर्ट। यार ये ड्राइंग मत करो स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है ना, ये हमने बात कर ली। अब मैं आपको जो है थोड़े बहुत पास पेपर्स बता देता हूँ इसके। अच्छा यहाँ पे जो है कंटेंट बहुत सारा है ठीक है ना कवर करने का, बट क्योंकि आज हमारी रिवीजन क्लास है, तो हम कोस्टल कहाँ है, कोस्टल वो जो अरेबियन सी के साथ कांटेक्ट में होता है ठीक है ना, जो कि बिल्कुल जो स्ट्रिप होती है ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड कोस्टल। अच्छा फैक्टर्स की बात कर लेते हैं ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो क्वेश्चंस जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि क्लाइमेट में जो है हम पढ़ तो लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो फिर हमें जो है थोड़ा मसला होता है ठीक है ना। तो मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े से बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के आते हैं और किस तरह इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया विद एन एवरेज जनवरी टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना, 10 डिग्री से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बिलो 10 डिग्री वाला है ये वाला एरिया ठीक है ना, जो आपका ग्रे टाइप का एरिया है ठीक है ना, ये वाला एरिया बेसिकली। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि ये जो लैंड है इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अगर नोट करो तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है ठीक है ना, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स ठीक है। फिर आपके पास अगर आप थोड़ा और साउथ में जाओ, आपके पास यहाँ पे वेस्टर्न माउंटेन्स होते हैं ठीक है ना, सफेद को वजीरिस्तान हमने पढ़े थे ठीक है। और फिर आपके पास जो है अगर आप और भी साउथ में जाओ तो आपके पास जो है जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान भी है ठीक है। और अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंसेस में मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूं, प्रोविंसेस में आपके पास देखो NWFP का ये प्रोविंस है ठीक है, इसका वेस्टर्न पार्ट आ रहा है ठीक है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है NWFP का वेस्टर्न पार्ट, और आपके पास जो क्या कहते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस है उसका नॉर्दर्न पार्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिस्क्राइब करनी है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज हैं, वेस्टर्न एरियाज हैं ठीक है ना, और नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न ठीक है ना, और आपका NWFP एंड नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान भी इंक्लूडेड है ठीक है। इस तरह आपको करना है डिस्ट्रीब्यूशन का, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको जो है एरियाज बताने हैं कि कौन कौन से एरियाज शेडेड हैं ठीक है ना। तो ये वाली चीज आप लोग थोड़ा याद कर लो। अच्छा चैट आए हैं, मैरिटाइम क्या होता है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट और मैरिटाइम मैं बता देता हूँ। अच्छा ये भी समझ नहीं आया, देखो इसमें बेसिकली क्या है आपके पास, आपको बताना है कि बिलो 10 डिग्री सेल्सियस ठीक है ना कौन कौन से एरियाज हैं। तो मुझे दिख रहा है ठीक है यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज हैं, यहाँ पे वेस्टर्न माउंटेन्स हैं ठीक है, यहाँ पर नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, और जो NWFP का प्रोविंस है उसका वेस्टर्न पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन से एरियाज आपको ये नजर आ रहे हैं शेडेड ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अच्छा अब मैं बता देता हूँ आपको मैरिटाइम इन्फ्लुएंस ठीक है ना। मैरिटाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है बेसिकली, कि आपके पास जो है एक सी जो होती है ना ठीक है, जैसे अरेबियन सी है हमारे पास पाकिस्तान में, तो एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे ठीक है। मैरिटाइम इन्फ्लुएंस में क्या होता है ठीक है, तो मैरिटाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है बेसिकली, कि आपके पास जो पाकिस्तान के साउथ में एरियाज है ना ठीक है, पाकिस्तान के जो ये वाले एरियाज है ठीक है ना, जो कोस्टल एरियाज हैं आपको पता होगा, ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं मैरिटाइम इन्फ्लुएंस, और ये होती है अरेबियन सी से ठीक है ना, अरेबियन सी से होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है देखो, आपके पास एक होता है लैंड एक होती है सी ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पर हमारे पास है लैंड ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कराची है या कोई और सिटी है ठीक है, यहाँ पर है आपके पास इसके साथ सी ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है ठीक है ना, यहाँ पे जो लैंड होता है क्योंकि उसके ऊपर की जो एयर होती है वो होती है वार्म ठीक है ना,
एयर होती है वार्म, जो वार्म एयर होती है वो राइज करती है, ठीक है ना, आपको पता होगा कि वार्म एयर हमेशा राइज करती है और ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये जाके कूल डाउन हो जाती है, ठीक है ना। अब जब ये वार्म एयर राइज कर जाती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाता है प्रेशर इनडिफरेंस, ठीक है ना, प्रेशर यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे सी का जो प्रेशर होता है बेसिकली वो होता है हाई प्रेशर एरिया, और जो लैंड होता है वो होता है लो प्रेशर एरिया। तो जो विंड्स होती हैं बेसिकली सी के अबव, ठीक है ना, जो कि कोल्ड विंड्स होती हैं, ठंडी विंड्स होती हैं, वो सी से चली जाती है लैंड की तरफ, क्योंकि आपको पता होगा प्रेशर का हमेशा एक रूल है कि वो हाई से लो प्रेशर एरिया में जाते हैं, ठीक है ना, विंड्स हमेशा। तो ये आपकी जो विंड्स हैं ये आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सी से, और बेसिकली जो ये वाली विंड्स थी, ठीक है ना, जो ऊपर गई थी, ठीक है ना, वो फिर बाद में आ जाती हैं दोबारा सी की तरफ। तो इस तरह से जो है क्या होता है बेसिकली कि लैंड की जो वार्म विंड्स होती है ना वो निकल जाती है ऊपर की तरफ, और जो आपकी ठंडी हवाएं आती हैं वो सी से फ्लो करती रहती हैं, ठीक है ना, ठंडी हवाएं। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मैरिटाइम जो है वो कोस्टल एरिया से लिंक है, हाँ लिंक है बिल्कुल, ठीक है ना, कोस्टल एरिया ही एक्सपीरियंस करते हैं। और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है, मैरिटाइम का ऑपोजिट, यानी कि अगर आपके पास मान लो कोई सी नहीं है, ठीक है ना, कोई सी नहीं है, सही है, यहाँ पे कोई सी नहीं है, तो मतलब कोई प्रेशर इनडिफरेंस नहीं है, कोई प्रेशर इनडिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई विंड्स की चेंजेस नहीं हो रही है ना, और ये जो विंड्स की चेंजेस अगर नहीं होती यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है कि ये विंड्स जो हैं, जो वार्म थी शुरू में, ये वार्म ही रहेंगी, ठीक है ना, और जब ये वार्म रहेंगी तो इसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, यानी कि इस पर कोई सी की इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ यार, अब प्लान तो यही है, ठीक है ना, कि हम चैप्टर्स कवर कर लें, बट देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लाइमेट में किसी को और कुछ पूछना है क्या, क्योंकि हमने काफी टाइम लगा दिया है। एक तो यार ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, और आज लोग भी काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको क्लियर है, अब हम कोई और चैप्टर स्टार्ट कर लें। आई बिलीव आप लोग बता दो, ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो है, सही है, अब मुझे बता दो कि ट्रेड स्टार्ट करना है, पॉपुलेशन स्टार्ट करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, एक इंडस्ट्रियल का आया, बाकी लोग बता दो जल्दी से, तो फिर हम लोग जो है वो वाला स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, और भी चैट आ गया है, पॉपुलेशन, और कोई है क्लास में, और भी एक बंदा है, अगर कोई और स्टार्ट करना है बता दो, ठीक है। पॉपुलेशन वैसे है भी काफ़ी लेंदी, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो करा लूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। आज कोशिश करके सारे चैप्टर्स ही जितने भी ये आए ना, तीन चार ये कवर कर लेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, ये हमने कर ली बात सारी। अच्छा, अब हम जो है ऐसा करते हैं, पॉपुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग इंडस्ट्रियल करते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन हमारे पास जो है ना, पॉपुलेशन का जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है ना, पॉपुलेशन का सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बेसिकली ये आपको, ये वाला टॉपिक जो है ये अच्छे से आना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना, ये दो चीजें जो है ना, अच्छा इसके चार पार्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये पहला पार्ट है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में जो है ना तीन सवाल आते हैं, तीन तरह के, मैं आपको जो है यहाँ पर मेरे पास एक वो है पीडीएफ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो टॉपिक है उसमें आते हैं तीन तरह के सवाल आपके पास। सबसे पहले आता है रीजंस फॉर हाई पॉपुलेशन, ठीक है ना, कि पॉपुलेशन अगर हाई है तो उसकी वजह क्या है, ठीक है ना, मतलब जो जितने भी रीजंस हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों हो रही है और क्यों जो है नेचुरल इंक्रीज हमारे कंट्री में ज्यादा है।
तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी कॉजेज हैं, ठीक है ना। आपके पास सबसे जो यहाँ पे चार आई बिलीव मेन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में क्या आता है आपके पास, आपके पास आ जाते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, एक सेकेंड, आपके पास आ जाते हैं रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक है ना। लोगों का मानना होता है कि जो है रिलीजन के हिसाब से हमें जो है पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास जो है अर्ली मैरिजेस होते हैं, ठीक है। आपके पास चाइल्ड लेबर होता है, ये इकोनॉमिक कॉज होता है, ठीक है ना। यानी कि पैसे कमाने के लिए लोग जो है बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं ताकि उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जा सके। इलिटरेसी बहुत होती है, ठीक है। माइग्रेशन होती है, आपके पास जो है बर्थ रेट ज्यादा हो जाता है, और आपका डेथ रेट अगर कम हो जाता है तो भी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आई बिलीव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। बेसिकली मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक तो चाइल्ड लेबर है रीजन, फिर अर्ली मैरिजेस होता हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके पास रिप्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है ना। फिर आपका रिलीजियस बिलीफ है, वो कहा जाता है मुस्लिम्स मानते हैं कि अल्लाह जो है वो सबको रिस्क देता है, इसलिए जो है आपको पॉपुलेशन में कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट है डिजायर फॉर सन्स, ठीक है ना, कि जो बेटे होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अब ये लोगों का मानना होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेट होके लोग आ जाते हैं एक एरिया में, जिसकी वजह से उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। फिर आपके पास एक होता है गवर्नमेंट की जो चेंजेस होती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसमें आपके पास बार बार पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, गवर्नमेंट में चेंजेस की वजह से जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सही से जो है काम नहीं कर पाते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जो है एक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्यों रिड्यू, मतलब किस तरह रिड्यूस करना है, ठीक है ना, पाकिस्तान में। तो ये अगेन ये वाले क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या होता है, जो आपके पास पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और जो है लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली कि आपको मतलब किस तरह करना है। और यहाँ पे ग्रीन स्टार क्लिनिक्स है, चाबी का निशान, सब सितारा, ठीक है ना, इनमें से कोई एक नाम याद रख लो। फिर आपके पास जो है लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। आपके पास एजुकेशन हो जाती है, ठीक है। आपके पास जो है विमेन एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, विमेन लिटरेसी, विमेन एजुकेशन। क्लिनिक्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं, ठीक है ना, लिविंग कंडीशंस होते हैं, क्लीन वाटर, फूड, रिलीजियस सपोर्ट, ये सब आपके पास जो भी हैं इसके थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिड्यूस होता है, ठीक है ना। ये आपके पास रीजंस हैं। अच्छा, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है। ये हमारे पास दो सवाल हो गए, और तीसरा जो है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई लेकिन इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि इससे जो है प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। देखो, आपके पास जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है आपके पास शॉर्टेजेज आ जाती हैं, ठीक है ना। फूड कम हो जाता है, ठीक है, आपके पास वाटर कम हो जाता है, एजुकेशन का मसला होता है, हेल्थ सर्विसेज नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पॉवर्टी होती है, पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे मसले होते हैं जो कि पॉपुलेशन की बढ़ने से हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पैसे जो इन्फ्लेशन होती है यानी जो प्राइसेस होती हैं, ठीक है ना, सामान की वो बढ़ जाती हैं डिमांड की वजह से। ये सारी की सारी होती हैं चीजें जो कि पॉपुलेशन की वजह से होती हैं। और इकोनॉमी, इकोनॉमी में आपके पास पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है, आपको लोन लेनी पड़ जाती है, ठीक है, लोन की वजह से आपका जो कंट्री है वो डेब्ट में चला जाता है, ठीक है। अगर आप लोन नहीं पे करो तो आपका कंट्री जो कर्जा जो है वो चढ़ता जाता है, ठीक है ना, पाकिस्तान के ऊपर। और आपके पास जो है पैसे जो है वो इन्वेस्ट नहीं किए जा सकते किसी और काम में, बल्कि पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट ही पूरी करने में लगा दिए जाते हैं। अच्छा, एक हमारे पास टर्म होता है ओवर पॉपुलेशन, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लो। ओवर पॉपुलेशन क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है ना, आपके एक एरिया है उसमें रिसोर्सेज कम हो, पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो, ठीक है ना, रिसोर्सेज लेस हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो। अच्छा, ये हमारे पास होती है ओवर पॉपुलेशन की एक तरह से डेफिनेशन कह लो, ठीक है। और ये जो है ये इसका पॉपुलेशन ग्रोथ का चैप्टर है बेसिकली, टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा,
यहां तक मुझे बता दो, समझ आ गया है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, अगर समझ आ गया तो बता दो, अगर कुछ रिपीट करना है तो भी बता दो। ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि आपको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चाहिए, ठीक है ना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपको जो है क्या कहते हैं, आपको जो है रिलीजियस, अच्छा हाँ एक ये पॉइंट है कि आपको जो है रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिलीजन के खिलाफ नहीं है। पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, लिटरेसी बढ़ाई जाए, एजुकेशन बढ़ाई जाए, ठीक है ना, लोगों के अंदर, और आपके पास जो है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेस को भी यूटिलाइज किया जाए ताकि जो है आपका ओवर पॉपुलेशन का मसला नहीं हो, ठीक है ना, ये हमारे पास है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, ठीक है। ऑक्यूपेशन सेकंड टॉपिक है हमारे पास, ठीक है ना, इस चैप्टर का, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तीन तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है या ऑक्यूपेशन हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, प्राइमरी आपने जो है बिल्कुल इंडस्ट्रीज की तरह काम करता है, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब वो जो कि आपका एक्सट्रैक्शन हो या कोई जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हो, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या जो बाकी इस तरह के सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी की अगर आप बात करो तो वो होते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको आप प्रोसेस करो, रिफाइन करो, मैन्युफैक्चर करो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। और टर्शरी होती है सर्विसेज, सर्विसेज यानी कि आपकी क्या कहते हैं, आप किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आपके पास जो आजकल जो ऑनलाइन में भी होता है, ठीक है ना, फ्रीलैंसिंग हो जाता है, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये होती है टर्शरी ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीनों की डेफिनेशन आ सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, प्राइमरी जो होती है मोस्टली वो रूरल एरियाज में कैरी आउट होती है। एक सेकेंड, आपके पास जो प्राइमरी है देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, ये रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा कैरी आउट होती है, अर्बन में कम कैरी आउट होती है, ठीक है ना। फिर अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी दोनों में जो है लाइक सही मतलब नॉर्मल कैरी आउट होती है, और अगर आप बात करो अर्बन एरियाज की तो वहां पे सर्विसेज ज्यादातर लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हालांकि रूरल एरियाज में कम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आपके हो जाएंगे पाई चार्ट, और आपको पता होगा कि कैम्ब्रिज में जब पास पेपर्स आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं, ठीक है ना, पाई चार्ट की फॉर्म में वो आपसे जो है डेफिनेशन या इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन में। अब मैंने आपको ये सब बता दिए डेफिनेशंस, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है, अगर समझ आ गया है तो बता दो कि हाँ समझ आ गया है। और अच्छा, अब यहाँ पे देख लो जरा क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि जो है, अच्छा हमारे पास लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो y है, ठीक है ना, हमारे पास वो कौन सी है, तो y जो है बेसिकली, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे यार, अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है ना। अच्छा हाँ सही है, यहां तक समझ आ गया है। अब हम लोग जो है कंटिन्यू कर लेते हैं, तो हम बात कर रहे थे पाई चार्ट की, ठीक है ना। अच्छा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है सबसे जो मेजर होते हैं ना, ठीक है ना, वो होती है प्राइमरी, ठीक है। पाकिस्तान में 44% जो है पॉपुलेशन वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन कर रही होती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो एग्रीकल्चर या माइनिंग, इस तरह के तरीकों से ये लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप बात करो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज टर्शरी, टर्शरी का जो शेयर होता है वो होता है तकरीबन 41%, ठीक है। ये जो है ये 45 है एक्चुअली, ठीक है, 45 कर लो इसको, सही है, ये हमारे पास 45 है। और हमारे पास जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो जेड दिया हुआ है, ठीक है ना, दैट इज अच्छा ये सॉरी ये नहीं,
ठीक है, ये जो जेड दिया हुआ है ये है सेकेंडरी, दैट इज 14%, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास सबसे ज्यादा प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी एंड लास्ट में हमारे पास सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आती है। ऑक्यूपेशंस वाला टॉपिक आई बिलीव समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ये तो रूरल में ज्यादा होती है ना। हाँ, जो प्राइमरी होती है वो रूरल में ज्यादा होती है, और आपको पता हो तो रूरल एरियाज पाकिस्तान में काफी सारे हैं, ठीक है ना, और जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे भी कुछ हद तक हो रही होती है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री वगैरह, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका 45% जो है प्राइमरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई ज्यादातर लोग प्राइमरी में क्यों काम करते हैं, ठीक है ना, ये रीजन आ जाता है, ठीक है। रीजन में आपके पास आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है बेसिकली कि जो लोग होते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में लोग होते हैं, उनको जो है ट्रेडिशनली जो अपने जो दादा पर दादा, ठीक है ना, उनके जमानों से चलती हुई आ रही होती है फार्मिंग, और वो भी समझते हैं कि अब हमें भी फार्मिंग के थ्रू ही अर्न करना है, फार्मिंग के थ्रू ही हमें जो है संभालना है, ठीक है। इनहेरिटेंस यानी कि उनको लैंड मिल जाते हैं, अपने फादर्स एंड फोर फादर्स के लैंड मिल जाते हैं, तो वो फिर उस पर फार्मिंग ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करने के लिए, ठीक है ना, अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे लोग, अगेन ये भी रूरल एरियाज का है, ठीक है ना, ज्यादातर के लोगों को फूड चाहिए होता है और वो खरीदने के बजाय खुद ही ग्रो कर लेते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर उनको करना पड़ता है। फिर लार्ज प्रोपोर्शन जो होते हैं लोगों के वो होते ही रूरल एरियाज में, ठीक है ना, मैंने बताया मेजॉरिटी जो होती है ना वो होती है रूरल एरियाज की, ठीक है ना। फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है आपको बताया मैंने। फिर आपके पास जो एरियाज है ना पाकिस्तान के वो भी फार्मिंग के लिए सूटेबल है, एक तरह से ये समझ लो कि ये जो है ना एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें फिर आपके पास इरिगेशन, एलुवियल सॉइल्स, ठीक है ना, ये सब आप जो है और भी पॉइंट्स को इलेबरेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर और जब दूसरी चीजों की बात करें तो फॉरेस्ट जो है, ठीक है ना, जो कि एग्रीकल्चर के अलावा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, उसके लिए फ्यूल हमारे पास आ जाता है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है ना, थोड़े दिनों पहले, ठीक है ना, स्कूल में। तो जो फॉरेस्ट होता है बेसिकली उसमें आपका जो है फायरवुड मिलता है, फ्यूल वुड मिलता है, ठीक है ना। आपके पास जो है फॉरेस्ट के अपने खुद के इंपॉर्टेंस होते हैं, मैंग्रोव्स के कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है ना। फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री आपको पता है, कोस्टल फिशिंग, इनलैंड फिशिंग, ठीक है, इनके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, लोग फिश खाना पसंद करते हैं, इसकी वजह से भी प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कैरी आउट की जाती हैं। आई बिलीव यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो फाइल है ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो, इसमें जो है बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए, पास्ट पेपर और नोट्स वगैरह सब कवर्ड हैं, ठीक है। अच्छा हम अब बात करें जरा कि यहाँ पे, अच्छा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि प्राइमरी जॉब्स अर्बन एरियाज में क्यों ज्यादा नहीं है। मैंने आपको बताया अर्बन में जो मेजॉरिटी है वो लोग काम करते हैं टर्शरी की, ठीक है ना, प्राइमरी इतने ज्यादा काम नहीं करते। क्यों? पेस्चर नहीं होता, ठीक है ना, एनिमल्स के लिए, ठीक है, यानी कि आपको पता होगा एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कैरी आउट होती है, और लाइफ स्टॉक के लिए पेस्चर यानी कि जो एनिमल्स को जो फीड किया जाता है वो अवेलेबल नहीं होता। माइंस नहीं होती, क्वेरीज नहीं होती, फॉरेस्ट नहीं होते, पॉल्यूशन हो जाता है अर्बन एरियाज में, लैंड बहुत ज्यादा महंगा होता है, और एरेबल लैंड नहीं है यानी कि जो ग्रो करने के लायक लैंड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाते हैं कुछ। फिर आपके पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो है एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होते हैं, ठीक है ना, इलिटरेट होते हैं, ठीक है, उनके नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना, उनके पास जो होते हैं ना स्किल